झारखंड में जनहितकारी योजनाओं की बौछार। ये वो राज्य है जो गरीब और जनजातीय समुदाय के हितों की बड़ी योजनाओं का एक प्रकार से लॉन्चिंग पैड है, क्योंकि राज्य में है डबल इंजन वाली सरकार। ये डबल इंजन की सरकार, ये जो बरसों से गांव की जो आपकी मांग थी, ये मोदी सरकार और डबल इंजन की सरकार। जनता और सरकार के बीच नहीं कोई दीवार। जनता और शासन के बीच कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। झारखंड राज्य को विगत 19 वर्षों में पहली बार 2014 में पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकार मिली। मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में टीम झारखंड की कड़ी मशक्कत से राज्य में जनहित की योजनाओं ने रफ्तार पकड़ी। विगत 5 वर्षों को देखें तो झारखंड में अनेक केंद्रीय और राज्य सरकार की बड़ी योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। विकास के प्रति रघुवर सरकार की इस सजगता को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। बीते 5 वर्षों में विकास के ये जितने भी काम हुए हैं, इनके पीछे हमारे मित्र रघुवर दास जी और उनकी टीम की मेहनत और परिश्रम और आप सबके आशीर्वाद, यही तो इसका कारण है। कोई भी योजना तभी धरातल पर उतरती है जब सरकार स्पष्ट नीति, साफ नियत और मजबूत संकल्प के साथ पूरी ताकत लगाती है। झारखंड में योजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता से प्रधानमंत्री भी प्रभावित हुए हैं, जिसका उन्होंने जिक्र भी किया है। पहले जिस तरह के घोटाले होते थे, शासन में जिस तरह पारदर्शिता का अभाव था, उसी स्थिति में बदलाव लाने का पूरा प्रयास झारखंड की रघुवर दास सरकार ने किया। केंद्र और राज्य सरकार के तालमेल से झारखंड के सुनहरे भविष्य की तहरीर लिखी जा रही है। प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का भरोसा है कि झारखंड की जनता भी डबल इंजन वाली सरकार को पसंद करती है। साथियों, हम नए झारखंड के लिए, नए भारत के लिए, हम सभी को मिलकर के काम करना है, मिलकर के आगे बढ़ना है, मिलकर के देश को बढ़ाना है। अगले 5 वर्ष के लिए झारखंड फिर विकास का डबल इंजन लगाएगा। जनता की उम्मीदें पूरी करने के लिए, राज्य को विकास की पटरी पर लाने के लिए और राज्य को उन्नति की ओर अग्रसर करने के लिए झारखंड वासियों की जो सबसे बड़ी अभिलाषा थी, वो थी मजबूत सरकार, जिसे अब पूरा कर रही है रघुवर सरकार।